टीएमसी घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत पहले से ही ईडी की रडार पर थे, पर अब इसमें शिवसेना के पूर्व सांसद नेता का नाम जुड़ गया है, जिसका लेन देन एचटीआईएल से भी है। इस घोटाले में अंडरवर्ल्ड के तार भी जुड़े हुए हैं। ईडी की जांच में कई सबूत सामने आए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पीएमसी बैंक घोटाले की जांच में संजय राउत परिवार के बाद अब एक दूसरे शिवसेना के पूर्व सांसद भी ईडी की रडार पर आ गए हैं। ईडी जल्द ही इस नेता से पीएमसी बैंक घोटाले के मामले में पूछताछ कर सकती है। ये नेता भी पीएमसी बैंक घोटाले में एक लाभार्थी माने जा रहे हैं। इस नेता का भी संबंध पीएमसी बैंक घोटाला और एचटीआईएल से बताया जा रहा है। इसी मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी से केंद्रीय जांच एजेंसी ने करीब 3.5 घंटे पूछताछ की है। ईडी ने पीएमसी बैंक घोटाले में जांच के दायरे को बढ़ा दिया है और शिवसेना के पूर्व सांसद के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जल्द ही ईडी उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब करेगी। यही नहीं, प्रवीण राउत की एक फर्म ने एक ट्रस्ट में भी कई करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। इस ट्रस्ट को एक नामचीन राजनीतिक परिवार कंट्रोल करता है। ईडी को जांच में इस घोटाले में अंडरवर्ल्ड की भी भूमिका का पता चला है। ये फंड उसी अमाउंट का हिस्सा बताया जा रहा है जो एचडीआईएल के प्रमोटर्स वाधवान बंधुओं ने पीएमसी बैंक से लिया था। ईडी ने अब तक वाधवान बंधुओं से जुड़ी 1100 एकड़ जमीन को जब्त किया है। इसमें जमीन, बंगला, फ्लैट और अन्य कई प्रॉपर्टीज शामिल हैं। 3 दिन पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत की 72 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर लिया था। प्रवीण राउत अवनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर हैं। प्रवीण की पत्नी माधुरी और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत भी इस कंपनी में पार्टनर हैं। प्रवीण की पत्नी माधुरी के अकाउंट से ही 55 लाख रुपए वर्षा के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। इसी फंड ट्रांसफर को लेकर ईडी वर्षा राउत से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि राउत परिवार भांडुप की फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित अपने मैत्री बंगले में रहता है। संजय राउत की ओर से दिए गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक 2014-15 में वर्षा राउत की आय 13,15,254 रुपए थी। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के रिकॉर्ड के मुताबिक वर्षा राउत 4 फर्मों राइटर एंटरटेनमेंट LLP, सनातन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धांत सिस्कॉन प्राइवेट लिमिटेड और अवनी कंस्ट्रक्शन की पार्टनर हैं। राइटर एंटरटेनमेंट LLP नाम की फर्म ने ही 2019 में बॉलीवुड ठाकरे फिल्म बनाई थी। वर्षा राउत अपने पति संजय राउत और बेटियों पूर्वांशी और विदिता के साथ इस फर्म में भागीदार हैं। पीएमसी बैंक में फर्जी खातों के जरिए एक डेवलपर को 6500 करोड़ रुपए का कर्ज देने का मामला 2019 में ही सामने आया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने सितंबर 2019 में पीएमसी बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। आर्थिक अपराध शाखा ने सारंग वाधवान और राकेश वाधवान को गिरफ्तार किया था। पीएमसी बैंक को डुबोने में जो 44 अकाउंट्स अहम थे, उनमें से 10 खाते HTIL के थे। पीएमसी घोटाले में ईडी की जांच जारी है और इस घोटाले में संजय राउत की पत्नी के साथ साथ प्रवीण राउत और एक शिवसेना नेता के मिले होने का खुलासा हुआ है। शिवसेना नेता का इस बैंक घोटाले में बड़ा हाथ बताया जा रहा है। कई फर्म के मिले होने के सबूत भी ईडी के पास हैं। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझावों में कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।